Dr. Bridge's Homeopathy Clinic and Research Center, India's number one multi super speciality homeopathy clinic. Homeopathy में नई research से बड़ी लोकप्रियता, भारत के प्रसिद्ध कई राष्ट्रीय award एवं 10 से ज्यादा अन्य देशों में सम्मानित डॉक्टर बी एम प्रसाद, जिन्होंने 25,000 से ज्यादा रोगियों का सफल इलाज किया है। होम्योपैथी दवा द्वारा सफल इलाज हेतु आज ही मिलें डॉक्टर ब्रिज होम्योपैथी क्लिनिक, बीसी जर्मन होम्यो क्लिनिक, होम्योपैथिक भवन, ब्रिज गली, बिस्कुमान कॉलोनी, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को नालंदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिलांग प्रखंड स्थित नालंदा खुला विश्वविद्यालय कार्य भवन का उद्घाटन किया। 36 वर्षों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य शुरुआत किया गया। 1 मार्च 1987 को नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री राजगीर भी जाएंगे, जहां मलमास के कई बनाई और डॉक्यूमेंट्री फिल्म व अस्मिका का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने निरीक्षण करने व इस जगह का चयन किया है। अब बेहद ही सुंदर स्वरूप में यह यूनिवर्सिटी बन गई है। बहुत दिन पहले पटना में चल रहा था बाहर से लोग यहाँ आकर एडमिशन लेकर, साथ ही जिनको यहाँ रहकर पढ़ाई करना है उनके लिए बॉय और गर्ल्स हॉस्टल के अलावा स्टाफ क्वार्टर भी बनवा दिया गया है। 116.65 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में नालंदा विश्वविद्यालय का भवन बनाया गया है। बता दें, विश्वविद्यालय के अंदर प्रशासनिक भवन, एकेडमी बिल्डिंग, विषय बंगला, प्राइवेसी बंगला, प्रोफेसर एवं स्टाफ के अलावा छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय की सबसे अहम बात यह है कि इसके प्रशासनिक भवन का लुक नालंदा महाविहार के लुक जैसा है और इसको वैसे ही प्रसारित किया गया है। इसके अलावा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डिजाइनिंग हॉल और गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया है। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। लोगों का भी कर लीजिए, एसटी सबका करवा दीजिए, तो वो तो कोई किए नहीं। तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, वो जाना चाहिए था ना 2020 में। तो कहाँ हुआ, पहला बार हुआ जब हो रहा है, अंग्रेजों के टाइम में भी शुरू हुआ और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था।